छत्तीसगढ़ के रायपुर में हरितांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर कार्यक्रम विधानसभा की कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले लोगों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए पौधारोपण कार्यक्रम हरितांजलि का आयोजन कर प्रत्येक वार्ड में किया जा रहा है। वहीं विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि जिन भी कार्यकर्ताओं की जानें कोरोना काल में गई हैं उनकी याद में पौधे लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस दौरान परिजनों की सहमति से उनके द्वारा बताए गए स्थान पर पसंदीदा पौधा लगाया जा रहा है। पौधारोपण के बाद आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। साथ ही पौधे के रख रखाव की जिम्मेदारी भी परिवार के सदस्यों को दी गई है। परिवार में उनके परिवारों को सदस्यों को उन्होंने खोया है, उनके घर में कमी हुई है, जिसका कोई बात हुई है उस जगह जाकर हम वृक्षारोपण वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई इस COVID-19 के दौरान। और जिस प्रकार से लोगों का साथ मिल रहा है, हमारे पूरे कार्यकर्ता एक दिन पहले उस क्षेत्र में घूमते हैं, वहाँ लोगों का नाम एकत्रित करते हैं, घर से बात करते हैं, पूछते हैं कौन सा वृक्ष लगाना है, फलदार वृक्ष या छायादार वृक्ष या ऑक्सीजन देने वाला, और उनके चॉइस का वृक्ष हम जहाँ वो कहते हैं या उनके घर के बाहर, अगर घर के बाहर जगह है तो घर के बाहर लगाते हैं, नहीं तो कोई वहाँ के उस एरिया के मंदिर में, उस एरिया के कोई गार्डन में, कोई तालाब में, नहीं तो शमशान घाट में लगाकर हम उसकी याद में, उस परिवार का जो सदस्य उनके बीच में नहीं रहा उसकी याद में इस वृक्षारोपण को हम करवाते हैं, ताकि ये बड़ा एक वृक्ष बड़ा पेड़ बने, पौधा बड़ा पेड़ बने। छत्तीसगढ़ के हसौत में कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक कार्यकारिणी का विस्तार किया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम एवं जिला प्रभारी अर्जुन तिवारी व जिलाध्यक्ष डॉक्टर चौलेश्वर चंद्रकार के निर्देशानुसार ब्लॉक प्रभारी महारथी बघेल के द्वारा ब्लॉक कार्यकारिणी की घोषणा की गई। महारथी बघेल ने सभी कार्यकारिणी को निर्देश दिया कि सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजना से सभी लोगों को अवगत कराएं, साथ ही पार्टी को मजबूत करें जिससे पार्टी को सफलता मिल सके। निर्देशन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हसौत की कार्यकारिणी का घोषणा करने के लिए मुझे नियुक्त किया गया है, और आज इस शुभ अवसर पर मैंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हसौत का रेस्ट हाउस हसौत में घोषणा किया, और इनको घोषणा के हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करें। राजस्थान के दौसा में मां सरस्वती ब्लड डोनेशन टीम ने रक्तदान कर मानवता का फर्ज निभाया है। रक्तदाता रामकेश मीना दौसा ने बताया कि एक व्यक्ति की 2-3 दिन पहले रामकरण जोशी जिला अस्पताल दौसा में भर्ती कराया गया था, जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन 4.7 था। वहीं एक यूनिट ब्लड परिवार के एक सदस्य ने दिया, बाकी सदस्य ने 1 महीने पहले ही कैंप में रक्तदान कर चुके थे। अब जब उनके पास कोई भी रक्तदान करने वाला नहीं बचा, तब मां सरस्वती ब्लड डोनेशन टीम दौसा के संचालक रक्तदाता रामकेश मीना से संपर्क किया गया, जिसके बाद उसकी मदद की गई। राजस्थान तहसील मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिना अधिकार पत्र के ही नहीं बन पा रहा है। पीएससी में सीएससी बने कई साल बीत गए हैं, भवन के लिए करोड़ों की राशि सिर्फ कागजों में ही अटकी हुई है। राज्य सरकार ने इसे सीएससी का दर्जा दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम तो मिल गया, लेकिन नए भवन के अभाव में लोग सुविधाओं से वंचित हैं। जनप्रतिनिधि व कई संगठन इसके लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और उनका कहना है कि प्रशासन इसको बनाने में देर क्यों कर रही है, और अगर जहां नया भवन बन जाता है तो मरीजों को अधिक सुविधाएं मुहैया हो सकती हैं। बीजेपी सरकार के दौरान हमने और पूर्व विधायक शिमला जी बावरी ने प्रयास किए थे, और पीएससी से सीएससी में कर्मोन्नत करवाया था हमने, और इसका ये एक विडंबना है कि इसका पट्टा नहीं बन रहा है। इसके पास में जो जगह है इधर, वो गौशाला है, वो गौशाला दूसरे गौशाला में शिफ्ट करके, और वो काफ़ी जगह है वहाँ, उसका पट्टा बन सकता है, और वो मंडी विकास समिति के अधीन आती है भूमि, तो मंडी ADM अपने SDM साहब हैं, उनके पास में मंडी ADM का चार्ज है, तो उनसे रावड़ा विकास समिति के लोग, व्यापार मंडल के लोग और सारे सामूहिक प्रयास करके,
और कोशिश करें तो पट्टा उसका बन सकता है। पट्टा बनने पे ही उसका बजट जो सेंक्शन हुआ पड़ा है वो बजट लगेगा, बिल्डिंग बनेगी, पूरा सीएससी बनेगा। 5 करोड़ का बजट है वो सिर्फ उस जमीन उसका जगह का पट्टा नहीं होने की वजह से ही वो अटका पड़ा है बीच में। उसका पट्टा बनना चाहिए, सभी को सामूहिक प्रयास करने चाहिए। भाई हमने तहसीलदार साहब को लिख के दे दिया कि हमारा पट्टा बनाया जावे और कलेक्टर साहब को भी लिख दिया, ऊपर हमने सचिवालय में भी भेज दिया मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री महोदय तक को। अब इससे ज़्यादा हम और क्या प्रयास कर सकते हैं? अगर पट्टा बन जाए और बिल्डिंग बन जाए तो उससे क्या हो? उससे यहाँ की पूरी पब्लिक को फ़ायदा होता है, जिससे हर व्यक्ति को कहीं बीकानेर नहीं जाना पड़ता है। और व्यापार मंडल में इसके लिए तो ये इतना बड़ा जनरेटर दिया जिससे 4.5 लाख रुपये जनरेटर है, एक उसमें डेड बॉडी रखने के लिए आईसीयू वो दिया हुआ है मशीन। अभी वर्तमान में जो हॉस्पिटल चल रहा है उसकी बैक साइड में हॉस्पिटल के लिए ये भूमि है जो मंडी एडीएम की है, और जब जहां अब गौशाला चल रहा है ये भूमि हॉस्पिटल के लिए मंडी एडीएम के नक्शे के अंदर अंकित है कि यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण होगा। लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ एक साधु महाराज है जो गौशाला चला रहे हैं, उनसे भी चर्चा की है। अब एक 4 किलोमीटर के अंदर गौशाला है, उस गौशाला के अंदर इन गायों को शिफ्ट करेंगे और ये जगह खाली करवा के एसडीएम साहब घरसाना को भी बोला है, लिखित में भी दिया है, हमने बहुत प्रयास किए हैं। लेकिन इसका पट्टे की जो बात है, पट्टा है मंडी एडीएम की भूमि है, इसका पट्टा कलेक्टर साहब जारी कर सकते हैं। उपखंड अधिकारी घरसाना को हमने प्रस्ताव भेजा है कि आप प्रस्ताव बढ़वा के कलेक्टर साहब को यहाँ भिजवाएँ। यदि पट्टा जारी होता है तो जो सुविधाएं हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मिलनी चाहिए वो सुविधाएं हमें रावणाबे में मिल सकती है और वो निःशुल्क हमें प्राप्त हो सकती है, जिससे आम आदमी को फायदा होगा। राजस्थान के पाली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, कई दिनों से फरार अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह व सोजत सीआई डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के निर्देशन में मारवाड़ थानाधिकारी मोहन सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने जगह जगह तलाशी की और तकनीकी सहायता से मदद की और अपराधियों को पकड़ लिया गया। राजस्थान के जालौर में लापता चल रहे टैक्सी चालक को लेकर ऑटो चालक एसोसिएशन के सभी ऑटो चालकों ने मिलकर उपखंड कार्यालय को ज्ञापन सौंपा है। वहीं अध्यक्ष शेखर व्यास ने पुलिस को जल्द ही मामले का खुलासा करने की मांग की है। पुलिस ने 8 टीमों का गठन कर तलाश में जुट गई है। पुलिस की ओर से परिजनों द्वारा दी गई नामजद रिपोर्ट में संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि टैक्सी चालक शहर के रामसीन रोड की तरफ ऑटो लेकर गया था, जिसके बाद उसके बाद घर नहीं लौटा और 3-व्हीलर वाहन कब्रिस्तान के पास से पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं लगातार इस संबंध में पुलिस की ओर से तकनीकी सहायता व कई माध्यमों से हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। कल पुलिस की जानकारी में आया था कि बरकत खान है जो यहाँ भीनमाल में रहते हैं, वो सुबह 10 बजे ऑटो लेके रिपेयरिंग के लिए गए थे, दोपहर तक वो घर से वापिस नहीं लौटे, तो उनके परिवारजन के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई जिस पर गुमशुदगी दर्ज की गई और गुमशुदगी के बाद में उनके तलाश के पूरे प्रयास किए गए। उसके पश्चात घर वालों के द्वारा एक कोई बागरी है गोविंद बागरी, उस पर शक जाहिर करते हुए एक रिपोर्ट अपहरण से संबंधित दी है, जिसके संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गोविंद बागरी की तलाश की जा रही है। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के धनरा मंडल की बैठक हुई, जिसमें जिला महामंत्री मोहन जाट द्वारा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करते हुए पार्टी द्वारा दिए गए दायित्व एवं आगामी कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें पूर्व विधायक केसराम चौधरी के ओजस्वी संबोधन में कार्यकर्ताओं को पार्टी हित में कार्य करने का आह्वान किया गया।
राजस्थान की पाली जिला की पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साइबर शाखा में कार्यरत देवली कला स्वर्गीय एएसआई ओम प्रकाश भाना की पिछले दिनों निधन हो जाने पर पाली पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस जवानों ने परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए 7,40,000 की राशि जुटाई। एसपी के प्रतिनिधि के रूप में एसपी हेमंत जाखड़ ने एएसआई के निवास स्थान पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवारजनों से मिलकर उनके बेटे को सहायता राशि प्रदान की। राजस्थान के रायपुर में 18 से 45 वर्ष की ऊपर आयु के व्यक्तियों का कोविड टीकाकरण के दौरान हॉस्पिटल में भारी भीड़ हो रही है, जिससे मेले जैसा माहौल हो गया है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन व सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कोई पालन नहीं दिखा। वही सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ सरकार कोरोना की तीसरी लहर से किस तरह से बचा जा सके उसको लेकर तैयारी में है, तो दूसरी तरफ इतनी बड़ी लापरवाही लोगों के द्वारा की जा रही है। राजस्थान के रायपुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से गांव की एक महिला अपने मवेशियों को लेकर खेत पर जा रही थी और उसी समय तीन अज्ञात बाइक सवार चोर आए और गले में पहने सोने के आभूषण को चाकू से काटकर फरार हो गए। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर आए जब तक चोर फरार हो चुके थे और इस घटना के होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया है और लोगों का कहना है कि हम कृषि खेतों तक जाने में भी सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान के मंडवारी में पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाले सेल्समैन ने फांसी लगाकर अपनी खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान थाना एसआई ने जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल पंप के पास ही नीम का पेड़ था और वहां पर सूत की रस्सी से युवक ने फांसी लगाई। साथ ही बताया कि आगे की कार्रवाई जारी है, कारणों का जल्द ही खुलासा हो जाएगा। राजस्थान के सोजत पाली में ट्रक चालक से मारपीट कर बदमाशों ने अपहरण का प्रयास किया, लेकिन कांस्टेबल की बहादुरी के चलते अपहरण का प्रयास नाकाम हो गया। बताया जा रहा कि बिना नंबर के एक बुलेरो कैंपर में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा सोजत रोड पर ट्रक रुकवाकर चालक के साथ में मारपीट शुरू कर दी गई और कैंपर के द्वारा चालक का अपहरण करने का प्रयास किया गया। वहीं से गुजर रहे थाने के कांस्टेबल ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों की कैंपर की चाबी निकाली और ग्रामीणों की मदद से ट्रक चालक को उनके चंगुल से छुड़ाया। सूचना पर पुलिस पहुंचकर बदमाशों को कैंपर जब्त कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।